दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मीम कॉइन की जो स्पेशली बुल रन में एक बड़ा प्रॉफिट निकाल कर देता है, लेकिन अभी अगर आप देखें बुल रन से पहले ही इसने नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है और उसके साथ ही क्या आने वाले टाइम में सबसे पहले मीम कॉइन्स की कैटेगरी में ये एक रुपये तक जा सकता है। मतलब अगर हम मीम कॉइन्स की कैटेगरी की बात करें, जहाँ पर अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इनका काफ़ी ज़्यादा होता है और इस कॉइन का सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शिबा से पहले इसमें पोटेंशियल है कि ये यहाँ पर एक रुपये को हिट कर सकता है। हम यहाँ पर जिस कॉइन की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्लोकी। इसने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ है कल के दिन में ही, और क्या इसमें पोटेंशियल है कि यहां से भी ये 300-400% बढ़कर 10 पैसे या 1 रुपए तक जा सकता है। और यहां पर इसका प्राइस क्यों बड़ा हुआ है उसका रीजन भी हम जानेंगे, साथ ही यहां पर बात करेंगे इनसे जुड़ी कुछ अपडेट्स की। लेकिन सबसे पहले करंट अगर आप प्राइस देखें इसका $0.0003 पर ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट 7 डेज में अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर बड़ा हुआ है 15%। लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो बड़ा हुआ है 75%, और लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो बड़ा हुआ है 1000%। मतलब अगर आप यहाँ पर एक साल पहले यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं, इसका प्राइस चल रहा था 4-0 के साथ 16 के लेवल पर, और ये बात हो रही है 12 दिसंबर की। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं 2023 की, जब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ये 6 महीने पहले की बात हो रही है। यहाँ से इसका प्राइस जो है वो 1000% तक बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पर 10 गुना इसका प्राइस हो गया है। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो 1000 हो जाते, 1 लाख करते तो यहाँ पर ये 10 लाख का अमाउंट आपको निकाल कर देने वाला था। इसमें पोटेंशियल जरूर है, इसका एक रीज़न कि यहां पर इनकी टीम काफी ज्यादा एक्टिव है, और उसके साथ ही ये प्रपोजल वगैरह निकालते हैं बर्निंग को लेकर, साथ ही यहां पर जो बड़े बड़े फर्म्स हैं उनके द्वारा इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से ये जो यहां पर पड़े पंप है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसके अलावा ऑल टाइम का अगर आप चार्ट देखेंगे इस लेवल पर पहले भी गया था, लेकिन ये कब गया था, जब यहां पर 2021 में बुल रन आया था, बुल रन में भी इसने लगभग यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दिया, उसके बाद लगातार प्राइस डाउन में आया, लेकिन फिर से यहां पर 2024 में ये 1000% तक बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम का देखेंगे तो अच्छा खासा बड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर INR में बात करें तो अभी भी ये 0.026 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मतलब हम बात करें यहाँ पर INR में तो 10 पैसे पर जाने के लिए इसे ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा 400% के आसपास, तो ये 10 पैसे को यहाँ पर हिट कर सकता है। इसके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी 10 पैसे पर भी जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जितना बड़ा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर इसमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। अभी अगर आप इसके वॉल्यूम को देखें, कितना वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1.79, मतलब यहाँ पर $1 बिलियन का वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये लास्ट 24 आवर्स में, और इस बेसिस पर ये 12 नंबर पर रैंक कर रहा है। मार्केट कैप कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर $3 बिलियन का मार्केट कैप। अगर आप इसका सप्लाई देखें, टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई सभी आपको मार्केट में उतरा हुआ नजर आएगा, 9.5 ट्रिलियन का यहाँ पर सप्लाई है। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉइन से यहाँ पर इसका कंपेरिजन करें जो मीम कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं उनका सप्लाई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस सप्लाई के साथ इसमें पोटेंशियल है कि ये 10 पैसे को हिट कर सकता है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 300-400% इसका बढ़ना, तब जाकर ये 10 को किल कर देगा INR में और कहाँ पहुँच जाएगा 10 पैसे पर। तो अभी अगर आप देखें कितना यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है $3 बिलियन, यहाँ से अगर मार्केट कैप बढ़ता है 400% भी तो कितना मार्केट कैप हो जाएगा, लगभग $12 बिलियन का, जो अभी के समय में अगर आप देखें तो वहाँ पर शिबा का भी है, डॉज का भी है, तो इस मार्केट कैप तक जाना पॉसिबल है और ये जाएगा भी जरूर आने वाले टाइम में। हम देखेंगे 2-4-6 महीने में पॉसिबल भी होगा कि यहाँ पर $5 बिलियन और $12 बिलियन के मार्केट कैप को भी हिट कर सकता है। अभी अगर आप देखें इसी कारण ये 40 नंबर पर रैंक कर रहा है, टॉप 50 में आ गया, टॉप 100 में आ गया, बहुत जल्द ही हमें टॉप 20 में भी देखने को मिल सकता है अगर इसी प्रकार की इनकी टीम जो है वो एक्टिव नजर आई, कम्युनिटी यहाँ पर इंगेज होगी, साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें जो बड़े बड़े फर्म्स हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हो रहा है। और हम उन्हीं की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम फ्लोकी की बात करें, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी टीम काफ़ी समय से एक्टिव नजर आ रही है, इसने यहाँ पर टॉप 50 में जगह बना ली है, साथ ही पार्टनरशिप्स अगर आप देखेंगे लगातार एक सैंडल पर ये पार्टनरशिप्स के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, अलग अलग यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है, अलग अलग स्पॉन्सरशिप यहाँ पर इनके द्वारा ली जाती है, चाहे अगर हम फुटबॉल टीम की बात करें या फिर अगर आप जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें भी यहाँ पर देखने को मिलती है इनकी पार्टनरशिप। BNB चेन ने यहाँ पर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है क्योंकि BNB चेन पर यह सबसे बड़ा मीम प्रोजेक्ट बन चुका है, जहाँ पर इनके जो होल्डर्स है BNB चेन के ऊपर फ्लोकी के वो 4,17,400 को क्रॉस कर चुके हैं, इसको लेकर यहाँ पर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप देखें काफी कुछ अच्छी अपडेट्स आ रही है जिसके बारे में भी हम जान लेते हैं जो यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें DWF लैब ने यहाँ
पर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लगभग $12 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फ्लो की, जो एक मीम कॉइन कैटेगरी में आता है उसमें यहाँ पर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं DWF लैब ने भी यहाँ पर इसको लेकर जानकारी दी है, और ये यहाँ पर वेब 3 से जुड़ा हुआ फॉर्म है, इसके भी लगभग यहाँ पर 87,000 फॉलोअर्स है, और इन्होंने यहाँ पर लगभग $12 मिलियन का अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है फ्लोकी के इकोसिस्टम में, फ्लोकी को सपोर्ट करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर इसके प्राइस पर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें ऐसे फॉर्म्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जो इन्वेस्टमेंट करती है, जिनका सपोर्ट मिलता है, तो उससे यहाँ पर फंडामेंटली वो जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रांग होता है। शिबा के साथ ऐसा अभी नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कोई फॉर्म आकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। $12 मिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप यहाँ पर $12 मिलियन के टोकन्स को देखेंगे तो वो यहाँ पर बिलियंस में हो जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है उसमें ये खासियत है कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसके प्राइस में और भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा प्राइस नीचे जाए तब जाकर आप एंट्री ले सकते हैं। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, सारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।